the 64, that is your answer. ठीक है, आप जिस नंबर की जितनी पावर हो उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर. नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर या एक्सपोनेंट. ठीक है, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, उसमें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दी है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म देनी है तो सिक्स देखो कितनी बार मल्टीप्लाई है, 1, 2, 3, 4. इसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी थी, वैल्यू निकालनी थी. इसमें वैल्यू ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में दे रखी है और आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ओके, तो 6 4 टाइम मल्टीप्लाइड है, इट इज 6 4 इज द आंसर. मतलब ये इसकी एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, ये इसकी एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है. बेस नीचे लिख के ऊपर पावर दिखानी है. नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई है उतनी बार पावर होते हैं. ओके, सेकेंड का ही सिक्स पार्ट देखो. ए 3 बार मल्टीप्लाइड है, सी 3 बार मल्टीप्लाइड है और डी 1 बार है. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? ए रेस टू द पावर 3, ए 2, 3. सी रेस टू द पावर 3, ए 2, 3. और डी 1 ही बार है, 1 दिखाना है या दिखाना तुम्हारी मर्जी. ओके, अब अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें एक नंबर दे रखा है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो पहले आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, 2 से लो जितना आप ध्यान दो, फिर 2 पे लो, क्योंकि ये नंबर में लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से डिजिबल होगा ही होगा. तो आप देखो सारे नंबर 2 पे आगे जाते जाएंगे और ये 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 टाइम आ रहा है. तो आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू 9, इज इट्स एक्सपोनेंशियल. ओके, 2 9 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स 2 रेज़ टू 9 इज द एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 512. अब फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, आपने बताना है ये बड़ा है कि ये बड़ा है. तो 4 रेज़ टू 3 को कितनी बार लिखोगे? 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि पावर 3 है. तो 4 4 का 16 16 4 का 64. 3 रेज़ टू 4 का क्या मतलब है? 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम क्योंकि पावर इज 4. तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो ये आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो आपका आंसर क्या है? 3 3 9 9 3 27 27 3 81. तो ये आपका 81 आया. अब अगर 64 बढ़ा है 81, तो आपका 81 बढ़ा है, तो इट मीन 3 रेज़ टू 4 इज ग्रेटर. ये आपका आंसर. हमेशा याद रखना, जिस नंबर की पावर बड़ी होगी वो नंबर हमेशा बड़ा आएगा. ठीक है, मोर द पावर मोर द नंबर, कभी भी एक्सपीरियंस करके देखो. फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखो. फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में इस नंबर को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो इसमें क्या करोगे? प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ देयर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे. अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और 3 भी कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है. तो जो नंबर जितनी बार आता है उसकी उतनी पावर रिप्रेजेंट करके, दैट इज इट्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो गया और ये इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई. जितनी बार जो नंबर आ रहा है उसको उतनी पावर दे देना बस. ठीक है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना. ठीक, 6th क्वेश्चन में है, इसको सिंप्लीफाई करना है. 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू 10 रेज़ टू 3. तो 10 की पावर 3 है तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो. 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 बन गया. 2 इंटू 1000 इज 2000. ओके, 7th क्वेश्चन देखो. 7th क्वेश्चन में भी सिंप्लीफिकेशन है. अब पावर 3 है, किसकी पावर 3 है, कौन सा बेस है? -4. तो -4 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया. अब माइनस माइनस द प्लस, प्लस माइनस द माइनस. ओके, जब भी आपकी ओड पावर होगी, ये तो पावर छोटी है इसलिए मैंने जज कर लिया, माइनस माइनस द प्लस, प्लस माइनस द माइनस. नहीं तो एक सिंपल सी बात याद कर लो कि जब भी मेरी ओड पावर होगी ये अंदर वाला माइनस हमेशा मेरा माइनस रहेगा, और जब भी मेरी इवन पावर होगी ये मेरा माइनस पेयर बन के खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 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 प्लस बनाते हैं. इवन पावर के केस में सारे पेयर बन जाएंगे, लेकिन ओड केस में हमेशा एक माइनस लेफ्ट आउट रह जाता है जिसकी वजह से वो माइनस दे देता है. तो ओड में माइनस माइनस रहता है, इवन हो अगर सपोज ये एक यहाँ पर 4 कर दूँ, ठीक है, इवन
तीन बार मल्टीप्लाई किया, अब देखो इसमें पेयरिंग बन जाएगी कैसे, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, खत्म हो गया प्लस, प्लस में कन्वर्ट हो गया, टू टू द फोर, फोर टू द एट, और ये थाउजेंड दे देगा तो 8000, क्योंकि यहाँ पर माइनस आप कहोगे जी ओड पावर है, आपने तो भी बोला था माइनस माइनस रहेगा, लेकिन ये माइनस टू रेस पर थ्री, क्योंकि माइनस टोटल कितने बने, तीन माइनस इसकी वजह से, तीन माइनस इसकी वजह से छह माइनस बने, तो छह के दोनों के पेयर बन गए तो खत्म हो गया। आई बात समझ? तो ये एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल सिंपल सी है, आपने इसको करके सेंड कर देना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप कर देना। वैसे अच्छा एक क्वेश्चन रह गया, सॉरी आपका एट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन में आपने कंपेयर करना है नंबर को, कंपेयर करने में क्या करना है, देखो 2.7 1.5 ऊपर 10 की पावर 10 की पावर 12 है या 10 की पावर 8 है, 10 था 12 टाइम मल्टीप्लाई होगा या 10 8 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा नंबर देगा और ये छोटा नंबर देगा, क्योंकि 10 जब 12 बार मल्टीप्लाई होगा वो बड़ा नंबर देगा या 10 8 बार मल्टीप्लाई होगा वो बड़ा नंबर देगा, ऑटोमेटिकली 12 बार मल्टीप्लाई होगा, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, करके नहीं दिखाना, ये वन मार्कर क्वेश्चन में आएगा। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, जिसकी पावर 10 के ऊपर ज्यादा हो वही बड़ा बनेगा। तो इसको करके एक्सरसाइज को, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सेंड कर देना। ओके देन।